बहुत ही सत्कार योग उस महान प्रभु जी दी पावन हजूरी सच के बैठे और प्रभु यीशु मसीह जी दे लहू ना खरीदे हुए छोटे बच्चे बुजुर्ग नौजवान सबना नू अज दी इबादत विच जिहड़ी इबादत साडी बरकत दे लई है अज साडे अभिषेक दे लई है अज पास्टर दियोल वल्लों एक बार फिर प्यार दे नाल भरी शायद उहनां नू मिठी ते निहाल कर दी जय मसीह दी प्रवान करो जी कहंदे ने मसीह एवें गाउंदे रहिंदे आ साडे लागे रौला एवें पाउंदे रहिंदे आ पता लगू जदों पछताणा पै जूगा यीशु अपनी कलीसिया उठा के लै जाऊगा ये रौले तो पैने ही है भाई चाहे इत्थे आके पा लो चाहे दुनिया के किसी भी कोने ते जाके पाओ वो बंदा है जेड़ा यीशु दे प्यार नू जान गया जेड़ा यीशु दे प्यार च भिज गया एक गल मैं दावे ना कह सकदा वो खामोश नहीं रह सकता खामोश नहीं रह सकता अज एक बहुत ही खास प्रार्थना है तेल दे अभिषेक की प्रार्थना और जिन्होंने अज ये प्रार्थना करवानी है उन्होंने बड़े ध्यान दे नाल इन्हां पवित्र वचनों नूं सुनना है ऑयल अभिषेक नूं दर्शाउंदा है ऑयल लगवाउण दा मतलब है अपने गुनाहां दा अंगीकार करना मन लेना कि हां मैं पाप किते आ मैं पापी हाँ मैं उन्हां पापां नूं जाणदा वी हाँ ते उन्हां पापां दा करके ही असीं मुसीबत दे विच हुंने आ उन्हां पापां दा करके ही असीं बीमारी विच हुंने आ उन्हां पापां दा करके ही असीं टेंशन विच हुंने आ उन्हां पापां दा करके ही असीं परमेश्वर दे मसा तों बाहर हुंने आ उन्हां पापां दा करके ही असीं गरीबी विच हुंने आ उन्हां पापां दा करके ही असीं बेइज्जत कीते जांदे आ उन्हां पापां दा करके ही असीं हर वक्त अपने जीवन विच निराशा दे सामने विच फसे रहने हैं उन्हां पापां दा करके ही साडा प्रार्थना दे विच ना जाना है उन्हां पापां दा करके ही परमेश्वर दे नाल वफादार ना होना है कुछ ना कुछ अजिहा पाप है जिहड़ा तुहानूं परमेश्वर दे मसा तों परमेश्वर दे अभिषेक तों बाहर रख रहा है जद प्रार्थना करनी होवे उदों बंदे नूं खुजली आउंदी है उदों ही आउणी है पहलां कदे नहीं आउणी जदों प्रार्थना करनी उदों ही टैलीफोन वजणा पहलां भावें सारी दिहाड़ी प्यार आवे उहने वजणा नहीं जदों तुसीं प्रार्थना लई मंजे ते चढ़ना जां चादर ते चढ़ना उदों ही किसे ने कुंडा खड़काउणा पहलां नहीं कुंडा खड़कणा जदों कुछ हासिल करना है मुसीबत ने सामने आना है किसी भी शक्ल विच आवे कदे गड्डी पेंचर नहीं होनी जदों चर्च नूं तुरना कहना टायर च हवा है नहीं हर रोज उत्थों दी बस लंघदी है जिदन चर्च नूं आना उदन बस पता नहीं लंघी नहीं कि दिसी नहीं हर रोज आटो उत्थे ही घूमदे आ जिदन चर्च नूं आना उदन कोई आटो नहीं लभदा
ते उस दिन निराश होके घर नूं नहीं मुड़ जाना। उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु धन्यवाद, तू मैनूं एक टास्क दित्ती है, मैं अज इस टास्क नूं पूरा करके मैं तेरी हजूरी विचों अपने अभिषेक नूं लैण वास्ते जावांगा ही जावांगा। जिस दिन बड़ा वधिया मन बना के घरों तुरे आ, उलझना ही उलझना, 100 दा नोट डिग पिया रात, सारे मन की शांति भंग हो गई, यार रुपया 100 डिग पिया। चर्च आए, बैठन लगे, सेवादार ने हुक्म लाता भाई इत्थे नहीं बहना, सारी शांति भंग हो गई, सत्यानाश करता। इहदे विच साडा भी बड़ा वड्डा रोल है। अभिषेक विच रहना इन्ना सुखाला नहीं है। अभिषेक का संबंध शांति दे नाल है, पीस दे नाल। जिन्ना ही वध तुसीं अपने आप नूं शांति च बना के रखण की कोशिश करोगे, पीस दे विच रहण की कोशिश करोगे, मन नूं शांत अवस्था दे विच रखोगे, उन्ना ही अभिषेक दे विच रहोगे, उन्ना ही मसा दे थले रहोगे। छोटी छोटी चीज ते क्रोधित नहीं होना, कदे कदे वड्डियां वड्डियां चीजां नूं भी लाइटली लेना शुरू करना सिखो। जब तुसीं इहनां नूं लाइटली लोगे, जीवन दे अंदर अजिहा आनंद आएगा, अजिही शांति आएगी। सिखना पैना, सिखो ते लो नजारे, ते यीशु दे बन के बन जा रहे, सारी दुनिया दे विच उहदा होका लाओ। आजो अपना बाइबल खोलो, आपां बाइबल दे विचों छोटियां छोटियां तस्वीरां देखणियां ने। यकूब उसका पंच चैप्टर अते उसकी 13 आयत पास्टर जी पढ़न लगे हैं। मैं गल कर रहा सी ऑयल लाउण दा मतलब है गुनाह दा अंगीकार करना। तेल लाउण दा मतलब है कोई थानू चेतावनी दे रहा थोड़े मत्थे ते ऑयल ला के। ते ओ थानू ये कह रहा जदों थोड़े ऑयल ला रहा के भाई पाप तो दूर रहो। पाप ते मसा कठे नहीं चल सकते। हुण अज तुसीं इह फैसला पहला करो, जिन्हां ने मथियां ते तेल लगाउणा, होली ऑयल लगाउणा, पहला वह फैसला करो कि हजे पाप च नजारे लैणे आ कि मसा दे नजारे लैणे आ। दोनों ने वखरे वखरे आ। कई बार असी फैसला नहीं कर पाते, असी पाप के नजारे भी लैने आ ते चर्च में आके मसा के नजारे भी लेना चाहते हैं। ऐतवार मसा के नजारे ते 6 दिन पाप के नजारे हो नहीं सकता। जां तां 27 दिन पाप के नजारे लो ते जां 27 दिन मसा दे नजारे लो। मिक्स जेड़ा करके आपां चलदे आं, इह मिक्स बड़ा जबरदस्त है, बड़ा खराब है, बड़ा घातक है, इह मौत नूं जन्म दिंदा है। पढ़ो जरा की लिखिया, देखो जरा परमेश्वर दा वचन की कहिंदा। की तुहाडे विच कोई दुखी है? कहिंदा जे थाडे विचों कोई दुखी है ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਭੋਜਨ ਵੱਖ ਵੱਖ। ਪੜਿਓ ਜਰਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ? ਸੁਣੋ, ਹਾਂ
प्रार्थना करे ता प्रार्थना करे अगली गल कोई आनंद है कोई आनंद ने नाल भरिया होया है ता भजन गावे मैं गल पहले थोड़ी सांझी कर दिती है भई जे कोई आनंद दे नाल भरिया है ता ओ आनंद नू बना के रखे क्योंकि ओदा आनंद चोरी करन दे लई बहुत सारिया चीजा ओदे पिछे आ रही ने ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਨੰਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ आनंद नू बना के रखना खुशी ए साडे अपने हाथ विच है असी आप आनंद नू बना सकते हां अगली गल की तुहाडे विच कोई मांदा है कोई थाडे विच बीमार है पुछदा तां कलीसिया दे बजुर्गां नू सद कल्ले कलीसिया दे बजुर्गां नू सद्दा कल्ले ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਕੋਲ ਸਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਐਲਡਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਚਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਰੈਲਾ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਲਵਾਉਣਾ ਜੇ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ ਹੋਲੀ ਓਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਇਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਮਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੋ
पर व्यक्ति मसा नू छड़दा गलती आया मसा नहीं कदे उन्हों छड़दा अभिषेक नहीं कदी बंदे नू छड़दा बंदा अभिषेक नू छड़ दिंदा ते कहिंदा जे बीमार आ तां सीनियर नू बुलाओ पास्टर नू बुलाओ ओ थाडे ते तेल लाऊगा विश्वास करना के आप पवित्र जेड़ा है हुण पवित्र होण जा रहा है आप पवित्र जेड़ा है हुण पवित्र होण जा रहा है कहिंदा बुजुर्गां नू बुलाओ मतलब सीनियर हुण समझी जायो गल एक बड़ी जबरदस्त गल है जेड़े मसीह दे विच इस काम लई बुलाए गए हन जिन्हां दे उत्ते प्रभु दा अभिषेक है एल्डर्स बुजुर्ग सीनियर्स पासवान ओ ते ला सकदे आ जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर दा अभिषेक है प्रभु दा अभिषेक है जदों ओ होली ऑयल लगाउणगे तां बीमार बाइबल च लिखिया की हो जाणगे आमीन बीमार की हो जाणगे बीमार की हो जाणगे ते अज बीमारां ने की होना बीमारां ने की होना होर की होना पवित्र होर की होना सो इत्थे केड़ियां केड़ियां पढ़ियो जरा पास्टर जी की लिखिया अगलियां आयतां च अते प्रार्थना जिहड़ी नेचा नाल होवे प्रार्थना जिहड़ी नेचा नाल होवे उस बीमार नूं बचावेगी उस बीमार नूं की करेगी बचावेगी सुनो इतना पंज चीजां ते आपां ध्यान देना इस आयत दे अंदर बीमारां ने जिन्हां ने ठीक होना ओ ध्यान रखो पहली गल इंपोर्टेंट की है प्रार्थना दूजी गल इंपोर्टेंट की है प्रभु दा अभिषेक तीजी गल इंपोर्टेंट है होली ऑयल ते चौथा फेथ ते पंजवा बीमार चंगा कीता जावेगा ज्यादातर ऑयल नू मसा लई देखिया जांदा है कुछ ओदी 29 चैप्टर दे विच 7 आयत देखो कूच दी किताब ओल्ड टेस्टामेंट दे विच है 29 ओदी 7 आयत देखो फिर तू मसा करन दा तेल लेके हाँ फिर तू मसा करन दा तेल लेके हाँ उस दे सीस उत्ते चौवी कित्थे चौवी सीस एदियां पिछलियां आयतां घर जाके पढ़ियो इत्थे बड़ी जबरदस्त स्टोरी है तेल जिहड़ा इत्थे की है मूसेस नू यहोवा ने कहा तू हारून अते ओदे पुत्रां दे उत्ते तेल लाके उन्हां नू मसा करी कूच 25 ओदियां पहलियां दो आयतां देखो की लिखिया तेल दी किन्नी अहमियत आ पहला बीमारां नू कहिंदा चंगा करी हुण कहिंदा मसा करी हुण अगली आयत देखियो हांजी यहोवा ने मूसा नाल गल कीती यहोवा ने किहदे नाल गल कीती किहदे नाल क्योंकि मूसा प्रभु दा चुणिया होया व्यक्ति सी पहली गल ए याद रखो परमेश्वर अपने चुणे हुए लोकां नाल गल करदे आ परमेश्वर यहोवा ने मूसा दे नाल गल कीती कि इजराइलियां नू फरमा कहिंदा इजराइलियां नू ए गल दस भई ओ मेरे लई चढ़ावा लियाउण ओ मेरे लई की लैके आओ अभिषेक थल्ले रहण वाले व्यक्तियां नू परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहुंदे आ ते परमेश्वर ने मूसा दे नाल गल कीती के इसराइलियां नू एक गल कह की गल कह हां जी अगली गल भाई ओ मेरे लई चढ़ावा लियाउण ओ मेरे लई की लैके आउण किहदे लई लैके आउण परमेश्वर ने की कहा मेरे वास्ते उहनां नू कह चढ़ावा लैके आउण अगली गल हर एक मनुख तो जी दा मन उहनू प्रेरे हर एक मनुख
ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਸਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਸਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ? ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੜਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਰੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਨੇ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੱਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਲੀ ਓਇਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੱਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੇ, ਉਹ
करजे तो बाहर निकलोगे, ओ मुसीबतां तो बाहर निकलोगे, मुश्किलातां तो बाहर निकलोगे, उन्हां दे हालात बदलने शुरू हो जाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। पर कहिंदा की है? कहिंदा परमेश्वर ने मूसेस नूं कहा, इसराइलियां नूं कह चढ़ावे लेके आओ, जेड़ा बंदा अभिषेक दे हेठ है, पंज गल्लां ध्यान दे नाल सुनो, ओ खुदा नूं धन्नवाद दिंदा है, दूजा खुदा नूं नजराने दिंदा है, तीजा अपना दसवंद बिना हेरा फेरी तो दिंदा है, नंबर चार ओ अपनियां भेटां चढ़ाउंदा है, नंबर पंज ओ अपनियां सुखना भी पूरियां करदा है। अज बहुत सारे आ जिहड़े सुखना सुखदे आ ते बाद विच उहनां नूं पूरियां नहीं करदे, वह भी एक फुल स्टॉप लग जांदा है। जब तक तुसी प्रभु दे अग्गे अपनियां सुखना पूरियां नहीं करदे, तुसी अग्गे नहीं वध सकदे। सुखना सुखनियां भी जरूरी आ, मैं ते नहीं कह सकदा सुखना ना सुखिया करो, पर मैं ये कहना सुखना नूं पूरियां करना बहुत जरूरी है। खुदा ने तुसी सुखना सुखी खुदा ने पूरी करती, पर तुसी अग्गे उस नूं पूरा नहीं किया। इहदा मतलब तुसी अभिषेक तो बाहर आ गए। हुण की होना? शैतान ने सारा चोरी करके लै जाना। मैनों एक परिवार की गल याद आ गई, हुंदियां तां बहुत ने। एक परिवार ने प्रभु ने प्रोमिस किया भी जे पिता मेरा काम पूरा कर दियो ते मैं थाडे लई पहले नजराने लेके आवांगा। काम पूरा हो गया, बंदा नजराने लेके नहीं आया। एहो जी पलटी बजी, शैतान ने एहो जी गेम घमाई, सारे बंदे सड़कां ते आ गए। उन्होंने मैं थानू इस करके दसदा, यह खुदा ने नहीं किया, पादरी की गलती ना नहीं होया। जदों तुसी बरकतां लेंदे आ ना, बड़े ध्यान पूर्वक बरकत मंगया करो भी कि बरकत थानू चाहिए आ। पहला फैसला करया करो भी चाहिए आ, इस बरकत विच रह के असी परमेश्वर नाल वफादार रह सकते हैं कि नहीं। तुसी जो मंगोगे परमेश्वर तुहानू उही देण दी शक्ति रखदे आ। जो मर्जी मंग लो, उहदे कोल सब कुछ पिया, उहने कहिणा मुल खरीद के लिआउणा। परमेश्वर ने कुछ भी मुल नहीं खरीदना, जो भी तुहानू चाहीदा तुसी प्रभु दे कोलों मंगो, उह तुहानू मिल जाणा। पर की जो सानू मिल गया उहदे विच असी परमेश्वर दे नाल वफादार रहांगे, उहदा अभिषेक साडे नाल बनिया रहूगा, असी अभिषेक च बने रहांगे। मैं हजारां विश्वासियां दीआं उदाहरणां पेश कर सकदा जिन्हां ने मंग लिया, प्रभु ने दे दित्ता, अभिषेक तो बाहर हो गए, ठंडे हो गए, मसा तो बाहर चल गए, मसीहत नूं भुल गए, कोहां दूर चल गए, अते अंत शैतान ने उन्हां दा खुरा खोज मिटा दिता, खत्म हो गए। उस स्पिरिचुअली उन्हां दी डैथ हो गई, आत्मा दे विच मर गए वह बंदे। अज जिन्ने इत्थे इबादत करन आए ने, मैं ये कहना चाहना वो आत्मा दे विच जीवत हन, तां ही प्रभु की प्रस्तुति करन लई इत्थे आए आ। जेड़ा प्रभु की प्रस्तुति करनी इत्थे आ रहा, बरकत लै ली, चंगयाई लै ली, हुण उहनूं खोजे वाल दूर लगता है। हुण कहिंदा खोजे वाल बहुत दूर है जी, दो बसां बदलनियां पैंदियां, कोई लागे चीज लभ लो, लागे चर्च लभ लो। मतलब स्पिरिचुअली
डेथ हो गई उस बंदे दी, क्योंकि वो आत्मा दे विच जिथे परमेश्वर ने उन्हें भेजिया, जिथे खुदा ने उन्हें जोड़िया, उत्थों अपने आप नूं तोड़ रहा अपनी शक्ति दे नाल, अपनी समझ विच पा लिया, दूर हो गया। तेरी समझ दे नाल नहीं प्रभु ने तैनूं इत्थे जोड़िया। लोग तो दिल्ली तो इत्थे आके सत्संग अटेंड करते हैं, लोग तो कलकत्ते तो आ रहे हैं, और तू लोकल अपना डिसाइड कर लिया, तू मन किदा बना लिया कि दूर है। और होया कि कुछ समा उन्हां चर्चा विच जांदे ने, दो साल, डेढ़ साल, तीन साल, उस तो बाद स्पिरिचुअली डेथ हो जाती उन्हां दी, खत्म हो जाते वह बंदे, क्योंकि उन्होंने अपना रियल जेड़ा रिश्ता सी, असल रिश्ता जिथे उहदी मेन रूट सीगी, उत्थों अपने आप नूं डिसकनैक्ट कर लिया, पेंद करन दी कोशिश कर रहा अपने आप नूं, किते होर कट के किते होर ला रहा अपने आप ही। डॉक्टर तो बिना तुसी अपनी बॉडी ते स्टिचिंग जां टंके नहीं ला सकते। असी बड़ी वड्डी गलत फहमी विच हुंदे आ, ते जेड़ा दिमाग विच आ गया सी उहदा फैसला करदे आ, और फैसला हमेशा रूह दे नाल करना, दिमाग दे नाल नहीं। जिन्नी तेज थोड़ा दिमाग भजदा, तुसी कदे भी इहदे नाल भज नहीं सकते। सो इस आयत नूं दुबारा पढ़ दिओ, कूच दे विच 25 ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਵਾ ਲਿਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ ਲਿਓ। ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆਹ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ, ਘਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ, ਕਾਕਾ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਬੋਰਾ ਬਿਸਤਰੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। 4th ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੇ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਦੇ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਦੱਸੇ ਨਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਘੁਮਾ ਘੁਮੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੀ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਧੀਆਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਲਿਆ ਮਸਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਪੌਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬੋਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਬਸ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਦਤ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦਰਦ ਹਟਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਦਰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ
मैं इतने आके सुनिया कि टाइथ देना बहुत जरूरी है, ऑफरिंग देनी बहुत जरूरी है। कहिंदा मैं दिता, उहदे को किन्ना क होगा उस बंदे को भाई? सोचो जेड़ा घर का किराया नहीं दे सकदा, दुकान का रेंट नहीं दे सकदा, उहने किन्ने क लखां दित्ते होंगे? माड़ा जिहा ध्यान नाल सोचो, है ना? उहने कुछ थोड़ा दिता होना मैनूं पता है, पर परमेश्वर की अख विच बहुत ज्यादा सीगा। कहिंदा यीशु मसीह ने वेख्या धनवान अपने चंदे खजाने विच पाउंदे सी, धनवान कोई ध्यान नहीं दिता प्रभु ने। एक बजुर्ग औरत अपना चंदा खजाने विच पा रही सी, ते यीशु मसीह ने उहनूं वेख्या, क्योंकि दिखाउंदा की है? कहिंदा धनवाना ने बड़े बड़े नोट पासे करके छोटा नोट कढ के खजाने च पाया, पर जेड़ी बजुर्ग सी एक विधवा उहदे कोल कख नहीं सी, उहने अपना बटुआ खोलिया जो उहदे विच सी कढ के खजाने च पाता, ते सतगुरु यीशु दी अख ने उहनूं वेख लिया। हुण जेड़ी अख उहनूं वेख लवे, गुरु दी अख जिहनूं वेख लवे, ओ बंदा किदां ना धन होगा, उत्ते ऐटोमैटिक उहदी किरपा बरसनी बरसनी है। इस तरह जिहड़ा मसा है उहदे विच असीं रहना, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियां नूं, अज असीं इजराइली ही हाँ एक किस्म दे नाल, जिन्हां नूं परमेश्वर ने बाकी लोकां तों वक्खरे कर लिया। जे तुसीं अज तों बाद टुट्टियां जुत्तियां नहीं पाउणियां, पाटे कपड़े नहीं पाउणे, पुरानियां गड्डियां नहीं चलाउणियां, पुराने मोटरसाइकिल नहीं चलाउणे, पुराने घरां विच नहीं रहना, पुराने मंजिया ते नहीं सौना, ते पुराने काम करने बंद कर दो। यीशु मसीह थानू नवे काम दूगा और नवीं सारियां चीजां नाल ब्लेस कर दूगा। अगर अज ओ थानू ही कह रहा, थानू ही कह रहा भी मैं थानू ब्लेस करना चाहना, पर थोड़े को मंग की रहा? एक बड़ी कमाल की चीज है जी, कदे कदे आप समझते नहीं। आपू दिते उन्हें 10 रुपये, सुनो एग्जाम्पल, तो मंगे किन्ने मोड़ के? हैलो, एक किन्ने मंगे? असी एहो जे धर्मी बंदे हाँ, असी एक बिच भी हेरा फेरी कर लें। मान लो उन्हें सानू दिता 1,00,000 रुपया, मंगया किन्ना? बोलो 10,000। ते असी 10,000 विच भी हेरा फेरी कर दे। ओ कहिंदा तुसी मैनूं ठग लिया, ओए बंदे दे पुत बन जाओ, मलाकी दी किताब पढ़ लो जाके। फिर जदों असी ओह तों मंगण जांदे आ, ओ कहिंदा तैनूं कहदा 1,00,000 रुपया, तू तां 10,000 च वफादार नहीं, पहलां 10 च वफादार बण, तैनूं 1,00,000 वी मिल जाऊ। ते किन्ने जणे चाहुंदे आ वी साडा 10,00,000 रुपया दसवंध होवे महीने दा? 10,00,000 मैं कह रहा, देख लो, सुन लो पहला मेरी गल, हाथ थले कर लो, मुकर जाना तुसी, बड़े बड़े मुकर जांदे आ। मैं गया इंग्लैंड नूं, ते पादरी साहब गल सुनाउण लग पए, गल्लां करदिआं करदिआं दो पादरी बैठे, की गल्लां करूगे? चर्च दीआं गल्लां करूगे, कलीसिया दीआं टेस्टमनियां शेयर करूगे, वचन सांझा करूगे, होर थोड़ी उन्होंने कुछ करना। ते गल्लां करदे करदे गल्लां करन लग पए, कहिंदे इक बंदा आया, कहिंदा पादरी साहब प्रार्थना कर दिओ बिजनेस वध जावे। कहिंदा मैं क्या प्रार्थना मैं कर दिंदा, हुक्म प्रभु दा इह है, दसवां हिस्सा आपां परमेश्वर नूं देणा हुंदा है, करके मसा तोड़दा है। इह चीज मैं क्यों इत्थे जोर दे रहा, बहुत सारे लोग आ जिन्हां दा मसा इस करके टुटदा आ कि उह जिहड़ा परमेश्वर दे नाल कमिटमेंट आ उहदे विच पूरे नहीं उतरदे। प्रार्थना बहुत करते हैं, वेरी गुड, चर्च आते हैं, वेरी गुड, सेवा भी करते हैं, वेरी गुड, पर दसवें हिस्से का लिंक तोड़ देंगे, अभिषेक तो बाहर चल जाते कि ना कि। कहना मैं क्या भी समझाया, मैं प्रार्थना कर दिना तेरी बिजनेस वड्डी हो जानी है, पर तेन दसवां हिस्सा नहीं पादरी जी दया करूंगा। कहना प्रार्थना की बिजनेस बद गई, कहना दसवंध लैके आन लग पाया। कहिंदा फिर कहिंदा पादरी जी होर प्रार्थना कर दो। कहिंदा मैं होर प्रार्थना कर दी, कहिंदा बिजनेस होर वध गई। कहिंदा फिर दसवंध ज्यादा लैके आन लग पिया। कहिंदा पादरी जी होर कर दिओ। कहिंदा मैं क्या देख ला बॉर्डर लाइन वालों जाई जाना कितने उही काम ना होवे। कहिंदा नहीं पादरी जी कर दिओ। कहिंदा मैं फिर प्रार्थना करती,
बिजनेस फिर वध गई, कहिंदा हुण बिजनेस वध गई, हुण उहनूं 50,000 डॉलर दसवंद बन लग पिया। कहिंदा हुण उहदा दिल हिलदा, कहिंदा आया, कहिंदा पादरी जी दसवंद मेरी बहु बनदी आ। कहिंदा मैं क्या, हां बिल्कुल ये तां बननी आ। कहिंदा जी घट नहीं हो सकती? पादरी साहब कहिंदे घट हो सकती है। कहिंदा जी फिर कर दिओ। कहिंदा आ जा फिर आपां अरदास कर देने प्रभु बिजनेस घट कर दे। नहीं नहीं कहिंदा ये अरदास नहीं, कोई होर तरीका दसो, थोड़ी जी दसवंद घट कर दिओ। आपां मैं यही अज थोड़े नाल गल करनी चाहना, ये सीखना आ बई जदों आपां अभिषेक दे विच रहना जो असीं मंगदे आ उह लैके अभिषेक दे विच रह लवांगे। बाली प्रॉब्लम यही होंगी लोगों की कि वह अभिषेक तो बाहर चल जाते हैं। तगमे का हकदार उ है जेड़ा कैदे कानून के अनुसार खेड़ के मैदान खेड़, जेड़ा कैदे कानून तो बाहर खेड़ तो खेड़ के मैदान तो बाहर खेड़, वह खेड़ जरूर है पर वो इनाम का हकदार नहीं होता। तगमा उन्हें मिलता जेड़ा मैदान च खेड़ और कायदे कानून के अनुसार खेड़। आओ अगली बाइबल दे विच एक आयत देखते हैं बहुत ही प्यारी। हुण अपने कोल एक सवाल है भी कौन रोकदा कायदे कानून के अनुसार खेड़न तो, कि शक्ति सानू रोकदी है? और मेरा बाइबल दसदा है वह शैतान जेड़ा चाहता कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारी विच तुसी खेडो, अनाज्ञाकारी विच जियो, ताकि वह नहीं चाहता कि एंड ऑफ द डे तुसी परमेश्वर की किंगडम दे विच जा सको। वह चाहता है तुसी परमेश्वर की किंगडम दे विच ना जा सको। अगर तुसी परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलोगे तो तुसी कादे विच चलोगे? सारे बोलो प्रभु के अभिषेक के हेठ चलांगे। अगर तुसी अभिषेक दे हेठ आ गए तो तुसी परमेश्वर की सामर्थ दे हेठ आ गए। उसनू पता है इन्हां दे सारे बंधन टुट जाणगे। वो थानू बंधना विच रखना चाहुंदा वैरी, इसलिए वो थानू चढ़ावे देण तो रोकता है। यहोवा ने फिर सीधे तौर पर मूसा नू कहा, इसराइलियों नू कह ए कम सदा लई करो। परमेश्वर ने मूसा नू कहा इसराइलियों नू सिखा मेरी हजूरी विच चढ़ावे लैके आउण। मरकस 6 उसकी 13 आयत दे विच देखो परमेश्वर का वचन की कहता। न्यू टेस्टामेंट के अंदर चलते हैं 6 उसकी 13 विच। हाँ जी पढ़ जाओ जरा। और बहुत सारिया भूतां नू कढ दिता। हाँ सुनो, यीशु मसीह ने अपने चेलियां की गल है, चेलियां ने किहड़े काम किए? चेले प्रचार करन गए अते उन्होंने जाके लोगों लई प्रार्थना की। अगली गल, और बहुत सारिया भूतां नू कढ दिता। बहुत सारिया किहनां नू कढ दिता? भूतां नू। हैलो, हाँ जी, नहीं पादरी साहब इन्हां दा नां तुसीं लिया करो, सानू दूर ही रखो। सो बाइबल की कहंदी बहुत सारे भूतां नू कढ़िया, फिर अते बहुत सारिया रोगियां ते तेल मल के। बहुत सारे रोगियां ते की लाया? बोलो बोलो, तेल लाया। फिर की हो गया जो तेल लाया? अगली गल, तेल मल के उन्होंने चंगा की, बीमार चंगे हो गए। बाइबल कहती जो बहुत सारे लोगों के तेल लाया तो की हो गया? जशाया 61 उसकी 1 आयत में एक ही तस्वीर दिखा के अगे चल जाना। आप भी छोटी तस्वीर देखांगे। हाँ जी, प्रभु यहोवा का आत्मा मेरे उत्ते है। हाँ अगली गल, इसलिए जो यहोवा ने मैनू मसा किया। देखो कहना शब्द आ रहा, मसा का शब्द आ रहा। यहोवा ने कहता मसा किया, उत्थे भी कहता सी, कहता उन्हां बजुर्गां नू लभ्यो, उन्हां एल्डर्स नू जेने परमेश्वर दे वल्लों अभिषेक किए हुए होण, ते ओह थाडे उत्ते तेल लाओगे। उत्पत उसका 41 उसकी 14 दे विच देखो की लिखिया। इत्थे एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। यूसुफ जेल दे विच बंद सी, लोग जेल दे विच जांदे आ जदों ओ गुनाह करदे आ, लॉ तोड़दे आ, पर यूसुफ जेल दे विच क्यों बंद है?
बाइबल कहती यूसुफ ने कोई लॉ नहीं तोड़िया, यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी वह यहोवा दे नाल कनेक्टेड बंदा है, फिर भी उसनों जेल में बंद कर दिता गया। अज भी शैतान कुछ समय के लिए विश्वासियों नूं किसी ना किसी कैद में पा सकता है। ध्यान दिओ जरा गौर दे नाल, इधर वेखियो, पा सकता किसी ना किसी कैद में, पर सदा लई तुहानूं बंद नहीं रख सकता। परमेश्वर का अभिषेक जो थोड़े उत्ते है वह ना कदे तुहानूं छड्डेगा, ना कदे त्यागेगा। परमेश्वर का वचन इस तरह सानूं कहिंदा है। देखो जरा बाइबल की कहिंदा, उत्पत 41 उहदी 14 विच पढ़ दिओ जरा। हाँ, तां फिराउन ने यूसुफ नूं सद घल्या। हाँ, अते उन्हां छेती नाल यूसुफ नूं डेरे विचों कढ़िया, अते ओ हजामत करके ते वस्त्र बदल के फिराउन दे कोल अंदर आया। इनू दोबारा पढ़ो, पढ़ो जरा। तां फिराउन ने यूसुफ नूं सद घल्या। हाँ, अते उन्हां छेती नाल यूसुफ नूं भोरे विचों कढ़िया। हाँ, भोरे विचों। देखो, बंदा जिन्ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़िया, उन्हें कित्थे बंद किया? भोरे विच बंद किया, मतलब हनेरे विच बंद किया। शैतान कई बार विश्वासियों को कुछ समय हनेरे विच रख सकता है, हनेरे विच ले जा सकता, पर परमेश्वर का अभिषेक जो आता है वह कई पासियों के राही आ सकता, कई बंदियों के राही, जालमां के राही आ सकता, राजियों के राही आ सकता, क्योंकि उस चानण ने चमकना है, उस अभिषेक ने अपना काम करना है। जदों अभिषेक अपना काम करता, कई बार राजियों भी बदल देता। पढ़ो अगलियां गल्लां। हाँ जी, बुला लिया, भोरे विचों कढ़िया, फिर अते ओ हजामत करके, हाँ, उन्हें साफ सुफ करके उहदे वधिया कपड़े पाए ते उन्हें राजे दे कोल लिआंदा। अगे अगे अगलियां आइतां ओ 37 तो 43। हाँ जी, पढ़ो जरा फटाफट, 41, 37 तो 43। हाँ, तां ये गल फिरौन दियां अखां विच अर उस दे सारे टहलुआं दियां अखां विच चंगी लगी। सुनो, ए यूसुफ नां दा नौजवान परमेश्वर दे मसा दे थले सी। ए एक महल विच चले गया, उत्थे इहनूं बेच दित्ता गया इहदे भरावां दे वल्लों। हुण उस महल विच एक औरत इसनूं इह गल कह रही है के तू मेरे नाल पाप कर, मेरे नाल विचार कर, पर इसने पाप विच रहना पसंद नहीं किया, इसने परमेश्वर दे मसा थले रहना पसंद किया। ते जदों ए उसकी गल नूं इनकार करके भज्या, ते ओ जिहड़ी औरत सी उसने रौला पाया भई यूसुफ मेरे कपड़े पाड़ गया, और यूसुफ नूं कैद कर दिता गया। उस तो बाद यूसुफ कैद विच बंद है। इधर राजे नूं एक सपना आ रहा, राजे नूं दर्शन होया। उसने सारे अपने ज्ञानी बुद्धवान लोगों नूं इकट्ठे किया, मैनूं सपना आया, मेरे सपने का अर्थ दसो। किसी बंदे नूं उहदे सपने का अर्थ नहीं पता लग्या। इस यूसुफ नां दे नौजवान दे नाल जेल विच कुछ लोग बंद सी। जदों उन्होंने सपना आया, यूसुफ ने उन्होंने अर्थ दसिया, और जदों बाहर निकले तो यूसुफ ने उन्होंने नौजवानों को सुनेहा दिता भी जाके मेरे बारे राजे ना गल करो, मैं बेकसूर बंदा हाँ, मैनू बिना मतलब के बंद किया गया। पर जदों जेल तो बाहर निकले, परमेश्वर ने उन्होंने पट्टी साफ कर दी, उन्होंने याद भुल गया यूसुफ के लिए। कई कई बारी परमेश्वर कुछ समय लई थानू किसे जगह उत्ते स्थिर करता है, किसे जगह ते परमेश्वर ही ठहराउंदा है, तां कि तुसी डबल अभिषेक दे नाल बाहर आवो। जल्दी ना मचाओ, परमेश्वर दे सही समय दा इंतजार करो। हुण की होया, इसने पाप नूं ठकराया ते अभिषेक दे थले रहण दा फैसला किया। शैतान जिन्ना मर्जी जोर लावे, पर परमेश्वर थानू किंग बना के खड़ा करेगा ही करेगा, क्योंकि तुसी परमेश्वर दे अभिषेक दे थल्ले हो। परमेश्वर तुहानू राजे बना के खड़ा करेगा, तुहानू राणियां बना के खड़े करेगा। जे तुसी पाप दे नाल नफरत अते परमेश्वर दे मसा दे नाल मुहब्बत करन लग पए। राजे दे दरबार विच अभिषेक वाला बंदा आ गया। तुसी सुनिया, भोरे विचों कढ़िया गया, बाल कटाए गए, नवे कपड़े पाउण नूं दित्ते गए, और राजे दे दरबार विच पेश हो गया।
राजे ने सपना सुनाया, मैं आ वेख्या, मैं आ वेख्या, मैं आ वेख्या, मैं आ वेख्या। यूसुफ ने राजे नु सपनिया दे अर्थ दसे और जदों उसने सारे भेद खोल दिते, राजे दे दिल नु तसल्ली आ गई। राजे ने अपने नौकरां दे नाल, अपने महल विच शाही अंदाज विच दूसरे लोकां दे नाल यूसुफ दे लई की गल्लां कीतियां, पढ़िओ जरा प्यार दे नाल बाइबल दे अंदरों। हां, सो फिरौन ने अपने टहलुआं नु आख्या, भला सानू इस मनुख वर्गा जिस विच परमेश्वर दा आत्मा है। परमेश्वर दा मसा। फिरौन कहिंदा, सुनो मेरी गल, ऐदां दा आदमी आपां नू लभणा? तुसीं चंगे बंदे इहनू जेल च बंद कीता है, इहदे उत्ते तां मसा आ, इह परमेश्वर दा बंदा है, इहदे वर्गा नहीं लभणा। अगली गल, कोई होर लभूगा? कोई कहिंदा लभूगा, सवाल पैदा करदा। सारे खामोश ने क्योंकि सारे अपना अपना जोर ला हटे। मैं थानू दसना चाहना, ताडे वर्गा, ताडे मालका नू जिथे तुसी कम कर दे हो, ओ अपने मंजे दे पै के गल सोचन कि ताडे वर्गा आदमी नू लभूगा? नहीं, ओ कहेगा सिर्फ ओही जिहड़ा बिलीवर खोजे वाल वाला, ओही मेरी तजोरी दे उत्ते बैठेगा, ओही मेरा सरदार होवेगा। अगर तुसी किते कम कर दे हो ता ऐदा कम करो परमेश्वर दा अभिषेक जिहड़ा उत्थे प्रगट कीता जाए। अगर तुसी राजे हो ता दूजियां दे उत्ते थाडे द्वारा, अगर तुसी खुद अपने कम दे ओनर हो ता दूजियां उत्ते परमेश्वर दा मसा जिहड़ा ओ प्रगट होवे कि ओ कवे मैनू इहो जिहे मालक वर्गा मालक लभूगा, ते उहदा दिल ओहनू जवाब देवे नहीं, तेरा मालक एक मसा दे थले है, एक धर्मी बंदा है। ऐदा आपां विचरना लोकां दे विच तां कि असीं चुप करके भी परमेश्वर दे इहो जे गवाह बन जाइए कि दुनिया दंदां थले उंगलां लै के सोचे कि किहड़े अभिषेक दे थले है, इह किहड़ी मिट्टी दे बंदे आ, इहनां दे कोल किहड़ी गिदड़ सिंगी है जिहड़ा परमेश्वर इहनां दा पक्षपात करदा है। पर लोड़ है अभिषेक दे थले रहण दी, प्रार्थना करन दी, उहनूं चढ़ावे देण दी अते उहदे नाल वफादार बनण दी। अगलियां गल्लां सुणना। हांजी, फिरौन ने यूसुफ नूं आख्या, हाँ, इसलिए जो ए सब कुछ परमेश्वर ने तेनू दस्या। यूसुफ ने आगे की किया, कहिंदा सारा कुछ तो परमेश्वर ने दस्या। अगली गल, सो तेरे जिहा सियाणा और बुद्धिमान कोई नहीं। हाँ, अगली गल, तू मेरे घर उत्ते होवेगा। घर उत्ते होवेगा मतलब भोरे चो कढ के लियांदा, अज ही मुख्तियार बनाता, तू मेरे घर दा सरदार है। अगली गल, और मेरी सारी रैयत। रैयत की हुंदी है? जिथे ओ राज करदा है, जिथे राजे दी हुकूमत चलदी है, ओ कहिंदा तू मेरी हुकूमत विच। अगली गल, अर मेरी सारी रैयत तेरे हुक्म दे अनुसार चलेगी। मैं सब कुछ की करता अज तो तेरे, बोलो हुण, अधीन करता है तेरे। क्यों? एक कैदी एक राजे ना गल कर रहा, एक राजा एक कैदी ना गल कर रहा। हो सकता कदी अज तुसी भी कितने कितने कैद विच हो सकते हो, बीमारी विच कैद हो सकते हो, नशे विच कैद हो सकते हो, कर्जे विच कैद हो सकते हो, विभचार विच कैद हो सकते हो, चोरी करने विच कैद हो सकते हो, कुछ ना कुछ तुसी कैदी हो सकते हो। पर मैं थानू ये दसना चाहना, अज परमेश्वर दा मसा थानू उस कैद दे विचों बाहर कढ़न दे लई तैयार है, यीशु मसीह दे नाम दे विच। केवल राज गद्दी विच मैं तेथों वड्डा होवांगा। हाँ, बस कहिंदा एक चीज मैं रखनी है रब दे बंदे, कि मेरी गद्दी तेरे नालों थोड़ी वड्डी होगी। अगली गल, फिरौन ने यूसुफ नूं आख्या, राजे ने कैदी नूं कहा, वेख मैं तेनू सारे मिस्र देश उत्ते मुकर्रर कीता। वाह वाह वाह, खाते करता उन्हूं मुकर्रर, मतलब सेकंड किंग बन गया। इन्हें की नहीं कीता सीगा? पाप दी चोण नहीं कीती, पर मसा दी चोण कीती। अज असी भी की करना है? पाप दी चोण नहीं करनी, केदी चोण करनी बोलो? हाँ, अभिषेक दे थले रहण दी चोण करनी है। जिद्दणी तुसी अभिषेक दे थले रहण दी चोण कर ली, ते कुछ ही समय दे बाद तुसी सेकंड किंग बन के उभरोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। अगलियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, सुन लो थोड़ी जी। हां जी,
ਤਾਂ ਫਿਰਾਉਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭਾ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਠੋਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਠੋਕਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਚੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਆ ਰਈਅਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਝਾੜੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਧੋਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਰਈਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਈਅਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਓ ਹੈ ਨੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਤਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬੋਲੋ, ਹਾਂ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੋਹਰ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਾਨੀ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਅਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਠਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਠਾ ਪਾਇਆ? ਸੋਨੇ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਕਾਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਤੋਲੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਸਰਾਣੇ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਣੇ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਣੇ ਚ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਬੋਲਿਓ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਕੰਠਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸ਼ਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨੀ, ਏਡੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਠਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਯੂਸਫ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਹੈਲੋ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਚੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਲਵਾਉਣ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਂਠੇ ਲਈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੈ ਕਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਫਿਰ ਕੰਠਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਠਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
इन्हें कोई करामात नहीं की, सिर्फ एदे कोल ज्ञान दा आत्मा दा अभिषेक है। इन्हें भेत खोले आके भी राजा तू तू देखिया आ सी। राजा उठ के खड़ा हो गया, पैर कंबन लग पे, कहिंदा लै भरावा मोर भी तू मेरे तो नहीं राज चलना, तेरे उत्ते अभिषेक है परमेश्वर का, तैनू ही चुनिया, हुण मेरा राज भी की कर दे तू चला दे। ते अज मैं थानू यही दसना चाहना है, अज ये मसा जेड़ा है ताडे जीवन दे अंदर इस तरीके ना आ रहा है, अज जिन्हें अज ऑयल लगाएंगे, अज परमेश्वर का अभिषेक उन्हें उत्ते आएगा, अते ओ नाल वादा करन कि ओ परमेश्वर दे नाल हमेशा उस अभिषेक दे थले जीना चाहते ने। राजे दी स्टेटमेंट तुसी सुन ली ना, हुण जदों परमेश्वर का अभिषेक थाडे उत्ते आउंदा है ते लोकां दीआं नहीं राजियां दियां स्टेटमेंटां भी बदल जांदियां, तुहाडे पक्ष च खड़े कर दिंदा सारियां नूं। बजा लो सुस्ती दूर हो जाऊ तुहाडी। इत्थे बाड़े एहो जे धनी भी बैठे है जिन्हां ने हजे तक बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हां नूं पुछो बपतिस्मा नहीं लिया, हजे नहीं, हजे तैयार नहीं होए। ते हुण तां मसा ने बंदे दे गल कैंठा भी पाता, हुण होर किदां तैयार होना। हुण अज मन बनाओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा है परमेश्वर दे नाल रिश्ते विच आ जाना, बपतिस्मा है परमेश्वर दे नाल धार्मिकता विच खड़े हो जाना, बपतिस्मा है नवा जीवन पा लेना, बपतिस्मा है पवित्र आत्मा दे नाल भर के परमेश्वर दे कम्मां नूं करना, बपतिस्मा है पुराना जीवन छड के एक नवे जीवन नूं पा लेना, बपतिस्मा है पापां दी मैल लाउणा। बपतिस्मा लेना ही एक निशानी है कि तुसी मसा दे इंतजार दे विचो। शैतान ताडे मन नूं सख्त कर रहा, नहीं नहीं तू नहीं बपतिस्मा लेना। मैं एक पिछे जे परिवार नूं मिलिया सी, अगे भी थानू गल दसी, मैं उन्हां नूं पुछया, मैं कहा तुसी जनाब बपतिस्मा नहीं लिया, मैं कहा जी मैं पुछया तुसी बपतिस्मा नहीं लिया, मैं कहा जी हस क्यों रहे हो, कहिंदा गल इदां मैं वड्डा मुंडा ब्याहुणा, मैं क्या बपतिस्मा तो तुसी लेना ब्याहना मुंडा, कहिंदा जी फिर वो रिश्तेदार भी आउंदे हुंदे आ, मैं क्या ब्याह च आउणा ही आ रिश्तेदारां ने, आपां ब्याह करना तां आउणगे, नहीं जी तुसी समझदे नहीं, फिर वो रिश्तेदार भी आउंदे हुंदे आ, मैं क्या रिश्तेदारां नूं सद्दोगे तां आओगे, कहिंदा हां जी, वो ना फिर कई वारी रिश्तेदारां नाल तुहानूं पता बहना भी पैंदा, मैं क्या बहना भी चाहीदा, कहना नहीं जी तुसी समझदे नहीं, मैं कहा मैं समझदा तुसी मुंडे दा व्याह करना रिश्तेदार नूं सदना तुसी रिश्तेदार नाल बहना, कहना जी वो बहना नहीं, मैं कहा जी फिर केड़ा बहना, कहिंदा हुण तुहानूं पता तो लग गया। असी डिसीजन मेक करदे हां दिमाग दे नाल, डिसीजन मेक करना प्रभु दे वचन दे नाल, प्रभु दे शब्द दे नाल, वर्ड ऑफ गॉड जेड़ा परमेश्वर दा शब्द सानू दिता गया है। मैं विश्वास करदा कि प्रभु अज तुहानू बहुत सारी कैद विचों आजाद करन दे लई तैयार है। उसने दुनिया नू प्यार किया और दुनिया यीशु मसीह दी दीवानी हो गई। अज सब तो वड्डी कतार यीशु दे दीवानियां दी इस दुनिया दे अंदर। ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਨਾੜ
turn to God. परमेश्वर दे वल मुड़ो. Who are broken hearted? जिहड़े तुसी टुटे दिल दे हो. इत्थे हफ्ते दे पहले एतवार प्रभु भोज हुंदा है ते महीने दे आखरी एतवार बपतिस्मे दित्ते जांदे हन. जेकर तुसी इस सेवकाई नूं सपोर्ट करना चाहते हो तो तुसी अपने दान राशियां इस पते ते भेज सकते हो.